Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Gyanm Defense. And in the series of knowledge booster, जो हमारी series है, इसका नाम क्या है? Knowledge booster. और specially ये series किस time के लिए है? ये lockdown जो हमारा period है, उसके लिए जो हमारी knowledge booster series है, ठीक है? उसमें हम कर रहे हैं important military exercises, ठीक है? I know this is tough time. बहुत मुश्किल समय है आप लोगों के लिए. कई लोगों को दिक्कत हो रही है घर के अंदर रहने में, कई लोगों को दिक्कत कुछ और है, क्या करें क्या ना करें, ये सब चीज़ें. मेरा एक ही मैसेज है, बड़ा ही सिंपल मैसेज है. वो मैसेज ये है, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ. इससे ज़्यादा बेहतर टाइम कभी नहीं आएगा, ठीक है? इन्वेस्ट इन योरसेल्फ. इफ़ यू वांट टू रीड, पढ़ना शुरू करिए. बहुत टाइम है, 21 दिन. हॉबी डेवलप हो जाएगी. इफ़ यू वांट टू राइट, शुरू करिए. कभी सोचा था कि अंग्रेजी में बोलना चाहते हो तो कोशिश करिए, दिस विल हैपन. एक्स वाई जी, जो भी कुछ आपका कभी एम था, कुछ डिटर्मिनेशन था किसी चीज़ को लेके, तो इट्स राइट टाइम, अभी शुरू कर सकते हैं, ठीक है? और इसको आप 21 डेज को आप एक लॉकडाउन पीरियड ना समझ के, ये जो 21 डेज हैं इनको आप अपना लॉकडाउन पीरियड ना समझ के, इसे एक जेल ना समझ के, इन्हें आप अपने लाइफ के 21 गोल्डन डेज कहें. इनको गोल्डन डेज क्यों कहें? कि इन्हीं दिनों में आपकी लाइफ को कुछ इस तरह सोचिए, कुछ इस तरह इन्वेस्ट करिए कि एक न्यू वे मिले, जिससे 21 डेज या लॉकडाउन जब भी बंद होगा तो उसके बाद आप अपने आप को एक पॉलिश्ड और एक बेहतर प्रिपेयर्ड तरीके से निकलोगे, ठीक है? और इन सब की इंस्पिरेशन आप कहाँ से ले सकते हो? तो इन सब की इंस्पिरेशन जो आपको मिल सकती है, वो मिल सकती है, कहीं दूर नहीं जाना है उसके लिए, हमारी आर्म्ड फोर्सेस. हमारी आर्म्ड फोर्सेस इसकी मिसाल है, ठीक है? बिकॉज लॉकडाउन पीरियड आपके लिए होगा, बट इनके लिए तो ये रूटीन है. व्हेन दे आर अवे, व्हेन दे आर अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज, व्हेन दे आर एट सी, सो व्हेन दे आर एट सी फॉर 60 or 90 डेज विदाउट इंटरनेट, विदाउट व्हाट्सएप, विदाउट यूट्यूब, राइट? व्हेन दे आर ऑन अ काउंटर इंसर्जेंसी मिशन इन द कंट्री, they don't have access to the internet, they hardly get to talk to their families. At least आप अपनी families के तो पास हो, ठीक है? तो inspiration लीजिए. तो inspiration के लिए आपको Indian Armed Forces से ज़्यादा कोई भी inspiration नहीं मिलेगी इस tough time में, ठीक है? Because एक कोशिश, एक अपने दिमाग में एक चीज़ याद रखिए, only the test of fire makes fine steel. ठीक है, इब्राहिम लिंकन वंस सेड, ओनली द टेस्ट ऑफ फायर मेक्स फाइन स्टील एंड यू आर द फाइन स्टील. ठीक है, इस चीज़ को सोचिए और निराश मत होइए, आगे बढ़िए, ठीक है? कल हमने इस सीरीज़ में कुछ एक्सरसाइजेस को डिस्कस किया था, आज उन्हीं एक्सरसाइजेस को आगे बढ़ाते हैं उस सिलसिले को, और कुछ बची हुई एक्सरसाइजेस हैं उनको कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चे? शुरू करते हैं. आज की जो एक्सरसाइज है हमारी, वो पहली है एक्सरसाइज मालाबार. मालाबार जो एक्सरसाइज है, वो इंडिया, जापान और यूएसए के बीच होती है, और इट्स नेवल एक्सरसाइज, इनकी नेवल यूनिट्स के बीच होती है. और इस बार ये पोर्ट ब्लेयर में नहीं, जापान में हुई थी, ठीक है? जापान में ये एक्सरसाइज हुई, और ये एक्सरसाइज शुरू हुई थी सन 1992 में, 1992, एज अ बायलिटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए. तो जो फर्स्ट परमानेंट मेंबर्स थे इसके, वो थे इंडिया और यूएसए, ठीक है? उसके बाद सन 2015 में जापान जॉइंड एज परमानेंट मेंबर, और जो इसके अदर ऑब्जर्वर्स और पार्टिसिपेंट्स एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, वो हैं ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर, ठीक है? तो दिस वाज अबाउट एक्सरसाइज मालाबार, जो इंडिया, जापान और यूएसए के बीच में होती है, ठीक है? आई होप ये चीज़ क्लियर होगी आपको. आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है? तो जो जस्ट अ वाइल, जो हमारी अगली एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज मित्र शक्ति. तो जो हमारी अगली एक्सरसाइज है, दैट इज एक्सरसाइज मित्र शक्ति. और जो एक्सरसाइज मित्र शक्ति है, दिस इज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. ये भारत और श्रीलंका के बीच होती है, और इस एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव है टू बिल्ड और प्रमोट पॉजिटिव रिलेशंस बिटवीन आर्मीज ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका फॉर काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस
इन द अर्बन एंड रूरल इन्वायरमेंट अंडर यूनाइटेड नेशंस. भारत यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है और इसके तहत वो जितने भी यूनाइटेड नेशंस के कंट्रीज़ हैं और जितने भी हमारे फ्रेंड नेशंस हैं उनके साथ कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता रहता है. उन्हीं में से एक एक्सरसाइज हमारी श्रीलंका के साथ होती है जिसका नाम है ऑपरेशन सॉरी एक्सरसाइज मित्र शक्ति. तो अगर आपको याद रखना है कि मित्र शक्ति किसके साथ होती है, तो मित्र शक्ति इज़ बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी हमारी एक्सरसाइज नेक्स्ट है हमारे पास काजिंट. ठीक है, बहुत ही सिंपल है. अगर आपको याद रखना हो, इतनी सिंपल एक्सरसाइज वैसे कभी आएगी नहीं क्योंकि आप आराम से डिसाइफर कर जाओगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कि के ए जेड स्टैंड्स फॉर कजाकिस्तान एंड आई एन डी फॉर इंडिया. सो इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान. एक क्वेश्चन जरूर मेरे पास आप लोगों के लिए है कि आप लोगों ने मुझे बताना है कि कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है. ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर रखें. पिछली बार और पिछली क्लास में कई बच्चों ने कमेंट किया है, आई एम रियली हैप्पी फॉर देम. ठीक है, सो थैंक्स. आप लोग फॉलो करते हो उस चीज़ को, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. एंड कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में कैजेंट हुई और इस जो हुई थी ये हुई थी इंडिया में पिथौरागढ़. बताना ये भी है कि पिथौरागढ़ किस स्टेट में होता है, राइट? पिथौरागढ़ किस स्टेट में है. ठीक है, सो टू क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज फॉर यू. ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज वी हैव इज एक्सरसाइज संप्रीति. जो एक्सरसाइज संप्रीति है ये कहाँ होती है, जो एक्सरसाइज संप्रीति है दिस इज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. भारत और बांग्लादेश के बीच जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है एक्सरसाइज संप्रीति और ये हुई उमरोई मेघालय में. आपको याद आया होगा जो हैंड इन हैंड हुई थी, हैंड इन हैंड जो मैंने पिछली उसमें कराई थी वो भी यहीं हुई थी. और आप लोगों का देखते हैं आप लोगों ने रिवाइज किया है कि नहीं किया है. हैंड इन हैंड किसके बिटवीन होती है, इंडिया एंड विच कंट्री. ठीक है, सो आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल, रिविजन साथ में करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है एक्सरसाइज हमारी इंडो थाई कॉर्पेट. तो ये जो होती है बहुत ही सिंपल है, नाम से ही पता चल रहा है, इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है इंडो थाई कॉर्पेट. इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में जो कॉर्पेट है उसका मतलब क्या है. सो पहली बात, ये एक्सरसाइज हुई थी हमारी थाईलैंड में और कॉर्पेट मीन्स इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल. ठीक है, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, एक होता है आपका पेट्रोल जो आप फ्यूल की तरह यूज़ करते हो और एक होता है पेट्रोल, राइट? कहीं सुना है पेट्रोलिंग ड्यूटी. ठीक है, सो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडो थाई कॉर्पेट आर टू एंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑफ लॉ ऑफ सी UNCLOS विच स्पेसिफाई रेगुलेशन रिगार्डिंग प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ मरीन एनवायरमेंट, प्रिवेंशन एंड सप्रेशन ऑफ इलीगल अनरेगुलेटेड फिशिंग एक्टिविटीज, ड्रग ट्रैफिकिंग, पायरेसी, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग, इलीगल इमिग्रेशन एंड कंडक्ट ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन एट सी. तो जब भी सी में होते हैं तो सी के अंदर चाहे वो इलीगल स्मगलिंग को रोकना है, चाहे वो इलीगल जो भी फिशिंग एक्टिविटीज़ हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग है, प्राइवेसी है, ठीक है, और रेस्क्यू एंड सर्च मिशंस जो होते हैं सी में वो सब करने हैं, तो उन सब की ऑपरेशन प्रिपेयरनेस के लिए जो एक्सरसाइज हुई थी वो हुई इंडो थाई कॉर्पेट, जिसकी फुल फॉर्म है इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज गरुड़ा. ठीक है, जो एक्सरसाइज गरुड़ा है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है गरुड़, तो दैट मीन्स ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है. ठीक है, गरुड़ इंडिया और फ्रांस के बीच होती है. फ्रांस से अभी रिसेंटली हमने एक एयरक्राफ्ट लिया था रफेल. इसके अलावा हमारे पास इस बार जो न्यू एयरक्राफ्ट थे उनमें से एक चिनूक और एक है अपाचे. आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि चिनूक की मैन्युफैक्चरिंग जो बनाती है और अपाचे को जो मैन्युफैक्चर करती है उनके उन कंपनीज के नाम आपने बताने हैं. और साथ ही साथ ये क्वेश्चन बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि चिनूक का इंडिया में कौन सा वाला वर्जन है, चिनूक का कौन सा वाला वर्जन इंडियन एयरफोर्स के पास है और चिनूक कहाँ स्टेशन है. इसका आंसर मैं देता हूँ, चिनूक स्टेशन है चंडीगढ़ में, 12 विंग में, 12 विंग एयरफोर्स चंडीगढ़. ठीक है, और वर्जन कौन सा है और मैन्युफैक्चरिंग कौन सी है ये आप लोगों ने मुझे जवाब देना है. और ये जो हमारी एक्सरसाइज हुई एक्सरसाइज गरुड़, ये हुई मॉन्टे मार्शान फ्रांस में.
तो इस एक्सरसाइज को जो इस बार होस्ट किया वो किसने किया था? फ्रांस ने. एक्सरसाइज का नाम है गरुड़ बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज IFTX मींस इंडिया एंड अफ्रीका. आई फॉर इंडिया, ए फॉर अफ्रीका. ठीक है, तो ये एक्सरसाइज क्या है? दिस वॉज हेल्ड इन पुणे. पुणे में ये एक्सरसाइज हुई और IAFTX स्टैंड फॉर इंडिया अफ्रीकन फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज. इंडिया अफ्रीकन फील्ड, इंडिया अफ्रीकन फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज. ठीक है, हुआ ये था कि अराउंड मार्च में ये एक्सरसाइज हुई, तो उससे पहले जैन और अराउंड फेब में अफ्रीकन डेलीगेशन इंडिया आया था, जिनमें से हमारे पास कौन कौन से थे? इजिप्ट, घाना, नाइजीरिया, सेनेगल, सूडान, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, नामीबिया, मोजाम्बिक, युगांडा, नाइजर एंड जाम्बिया. इन लोगों ने कॉन्फ्रेंस अटेंड की और इस तरह अफ्रीकन कंट्रीज, तो इसमें अकेली साउथ अफ्रीका नहीं है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, वो इस एक्सरसाइज का पार्ट होते हैं. एक्सरसाइज का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन अफ्रीकन फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज IFTX, जो पुणे में हुई. नेक्स्ट एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र, और ये एक्सरसाइज हुई इंडिया और सिंगापुर के बीच में. बबीना, जिसका मैंने कल आपको बताया भी था, बबीना जो कि झांसी में है और एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इंडियन आर्मी की. ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज सिम्बेक्स. कल हमने सिटमैक्स किया था. सिटमैक्स को ख़त्म करते ही एक्सरसाइज के लिए इंडियन नेवी लॉन्च हुई थी. कहाँ पर? सिम्बेक्स के लिए, जो कि होती है बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर, भारत और सिंगापुर के बीच में है. सिम्बेक्स स्टैंड्स फॉर सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज हुई साउथ चाइना सी में. साउथ चाइना सी, जिसको लेके हमने पिछले दिनों बहुत डिस्प्यूट देखा था. क्यों? क्योंकि चाइना इस पर अपनी डोमिनेंस बताता है, जबकि जापान, सिंगापुर, वियतनाम, इनके अपने अपने वर्जन है साउथ चाइना सी को लेके. ठीक है, तो सिम्बेक्स जो एक्सरसाइज हुई, दैट इज सिम्बेक्स स्टैंड्स फॉर सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज, और सिंगापुर और इंडिया के बीच में होती है ये. नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास एक्सरसाइज वरुण. ऑफकोर्स एक नेवल एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज वरुण बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, एंड दिस एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड बिटवीन नेवीज ऑफ द टू नेशंस, और ये हुई गोवा में. तो जो एक्सरसाइज वरुण है वो हुई गोवा में. ठीक है, और जिसका कंटेम्प्रेरी था गरुड़ा, जो कि एयरफोर्स का था, सॉरी गरुड़ जो एक्सरसाइज हुई थी वो हुई थी फ्रांस में, है ना, ये हमने अभी जस्ट पढ़ा. नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास है एक्सरसाइज ऑजी इंडेक्स. कोई सोचने की बात ही नहीं है कि ऑजी इंडेक्स क्या हो सकता है. तो ऑजी इंडेक्स स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया. ऑजी इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, और ये एक्सरसाइज हुई थी वाइजैग में. वाइजैग जिसका नाम क्या है? विशाखापट्टनम. और विशाखापट्टनम कहाँ पर है ये आपने मुझे बताना है. द एक्सरसाइज वाज अ मैरीटाइम एक्सरसाइज. ठीक है, नेवल एक्सरसाइज थी, मैरीटाइम एक्सरसाइज थी. और जो दूसरी एक्सरसाइज जो हम ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं वो है एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद और ऑजी इंडेक्स और पिच ब्लैक. ये सारी एक्सरसाइजेज हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज IMBEX इम्बेक्स. आई फॉर इंडिया, एम फॉर म्यांमार, BEX दैट मीन्स बायलेटरल एक्सरसाइज. द एक्सरसाइज वॉज हेल्ड इन चंडी मंदिर कैंट. जो चंडी मंदिर कैंट है ये इंडियन आर्मी की कमांड्स जो हैं उनमें से एक कमांड है, जिसका नाम है वेस्टर्न कमांड नियर चंडीगढ़. वेस्टर्न कमांड. ठीक है, सो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सरसाइज वॉज टू ट्रेन म्यांमार डेलीगेशन फॉर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन. आप लोगों को यू शुड बी प्राउड ऑफ दिस थिंग दैट इन UN पीस कीपिंग मिशंस अब्रॉड इंडिया हैज़ दी यू नो वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टिसिपेशंस. ठीक है, जो है उनमें से इंडिया एक है, और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि जो म्यांमार है वो भी यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है, तो
म्यांमार को वो पीस कीपिंग मिशंस के लिए तैयार कर सकें, ठीक है, जो ड्यूटीज़ होती हैं और किस तरह पीस कीपिंग मिशंस को एडमिनिस्टर और मॉनिटर किया जाता है अराउंड द वर्ल्ड, वो इंडियन, क्योंकि इंडिया की रिच हिस्ट्री है इन पीस कीपिंग मिशंस में, ठीक है, चाहे वो उगांडा, साउथ सूडान, ये सब चीज़ें हों, इंडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है यूएन पीस कीपिंग मिशंस को की सक्सेस में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज़ एक्सरसाइज डिज़ास्टर कंट्रोल, जो एक्सरसाइज डिज़ास्टर कंट्रोल है हमारी, दिस इज़ बिटवीन इंडिया एंड जापान। बस याद रखें कि जो एक्सरसाइज डिज़ास्टर कंट्रोल थी वो कोस्ट गार्ड्स के बीच हुई थी, तो इंडियन कोस्ट गार्ड्स जो हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड्स, ठीक है, नॉट नेवी, डू नॉट मिसअंडरस्टैंड दिस विद नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और जो हमारे जापानीज कोस्ट गार्ड थे उनके बीच हुई थी, ठीक है। और ये एक्सरसाइज जो हुई वो हुई थी योकोहोमा में, जो जापान में है, योकोहोमा में हुई, और इंडियन कोस्ट गार्ड्स की तरफ से ICGS शौनक ने इसमें पार्ट लिया था। शौनक मतलब वाइज, विजडम से रिलेटेड है, ठीक है। तो डिज़ास्टर कंट्रोल एक्सरसाइज जो हुई थी ताकि आप लोग अलर्ट रह सकें, रेडी रह सकें डिज़ास्टर के लिए, स्पेशली सी में जैसे सुनामी हो जाए या बाकी के डिज़ास्टर्स हैं, तो उसकी ऑपरेशन प्रिपेयरनेस के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने जापानीज कोस्ट गार्ड के साथ ये एक्सरसाइज कंडक्ट की थी, राइट, जिसका नाम था डिज़ास्टर कंट्रोल एक्सरसाइज, जो कि योकोहामा में हुई और इंडियन कोस्ट गार्ड्स की तरफ से ICGS शौनक ने इस ड्रिल में पार्ट लिया था। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है हमारे पास, एक्सरसाइज मैनामती मैत्री, जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट हमारी, दैट इज़ एक्सरसाइज मैनामती मैत्री। मैनामती जो जगह है बांग्लादेश में, हिल कोमिला टाउनशिप में ये हुई बांग्लादेश में, और ख़ास बात यह है कि इसमें आर्मीज़ नहीं थी, ठीक है, इसमें आर्मीज़ नहीं थी, जबकि इंडिया की तरफ से BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बांग्लादेश की तरफ से बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश ने पार्टिसिपेट लिया। इन दोनों के बीच ये एक्सरसाइज हुई थी और ये 3 दिनों की एक्सरसाइज थी जिसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बिटवीन द टू फोर्सेस। देखो होता क्या है, इन दोनों का काम है बॉर्डर को गार्ड करना, ठीक है, तो बॉर्डर में जो काउंटर इंसर्जेंसी हो या फिर स्मगलिंग हो और कोऑपरेशन हो, इन सब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को मजबूत करने के लिए जो एक्सरसाइज मैनामती मैत्री हुई थी BSF और BGB बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के बीच में, कहाँ पर, कोमिला टाउनशिप बांग्लादेश में। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको इम्पॉर्टेंट रख सकते हो क्योंकि यूजुअली एक्सरसाइजेस हमारी होती हैं नेवी, आर्मी और मिलिट्री के बीच में, बट दिस वॉज बिटवीन BSF एंड BGB, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज वी हैव इज़, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ये सारी हमारी एक्सरसाइजेस थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद एंड इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, टेक केयर, थैंक यू।